हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई 2.0। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिवाली स्पेशल के इस सेकेंड सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आज फिगर काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस को। लास्ट सेशन में या प्रीवियस सेशन में फिगर काउंटिंग की बेसिक्स ट्रिक्स हमने आपके साथ डिस्कस करी। इस फेस्टिवल के बीच में आपको एक एक्साइटिंग टॉपिक करा के कि कैसे हम ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हैं, कैसे हम स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, कैसे हम रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीजों को लेके हमने यहाँ पे अब आज दूसरा सेशन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का रखा है, दैट इज फिगर काउंटिंग बेसिकली। तो बस उसी के बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस दिवाली यार अपने टॉपिक्स की, अपनी क्यूरियोसिटी की, अपनी एक्साइटमेंट की, इंटरेस्ट लेवल की भी आप एक लेवल अप चले, तो इसी वजह से हमने कहीं पे भी क्लासेस मिस ना हो तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या ऐसे सारे टॉपिक्स जिनको सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आता है, एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा डर लगता है, उनको हमने यहाँ पे पिक किया है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं फटाफट। बट यस, क्लासेस की टाइमिंग एक बार हम आपको बता दें फिर से। मंडे टू फ्राइडे 2.0 पे जो क्लास चलती है वो होती है 4:30 बजे। ये आधे घंटे की क्लास होती है जिसमें हम लोग ऐसा कोई टॉपिक या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो इसी चैनल पे 4 बजे शाम को क्लास होती है। अब अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो फ्री स्पेशल क्लासेस सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए, 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास। इसके बाद अगर हम प्लस कोर्स की बात कर रहे हैं अनअकैडमी पर ही, तो 12 बजे से 1 बजे तक 18 नवंबर से एक बैच हमारा शुरू होने वाला है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है प्लस क्लास की कि सब्सक्राइबर्स ही सिर्फ इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो SMS 10 कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज, दूसरे एजुकेटर्स के वीडियोस, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, सब कुछ देख सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे यार, दैट इज समष्टि शुक्ला, SAMASHTI SHUKLA। अब 18 नवंबर से जो कोर्स आ रहा है उसको देख लो। SSC का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स कहा जा सकता है इसको। इस कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स में हम लोग 13 डेज में 13 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे या इम्पॉर्टेंट वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। दैट मीन्स यू कैन स्कोर फॉर द मेरिट मार्क्स आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। इसके अलावा इसमें आपको 2 क्विजेज भी मिलेंगे, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से थरली सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डन। तो बस इसके लिए करना आपको सब्सक्रिप्शन ही है और कुछ नहीं, अनअकैडमी की लर्निंग्स ऐप। सब्सक्रिप्शन करने के लिए ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे लर्निंग्स ऐप पे जाके, इसके अलावा कोड अप्लाई करेंगे SMS10 और इसी कोड के बाद प्रोसीड टू पे करके अपना सब्सक्रिप्शन डन कर लेंगे। ये करोगे तभी प्लस क्लासेस हमारी और बाकी सारे एजुकेटर्स की आप अटेंड कर पाओगे। फाइन, तो अब बढ़ते हैं हम लोग फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो क्या और कैसे और किस तरीके से अप्रोच होगी। कल हम लोगों ने ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल सबके फॉर्मेशंस देख लिए हैं, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर काउंट करना। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ साइड में बॉक्स में मेंशन कर दिया है कि हम क्या काउंट करेंगे, स्क्वायर, ट्राइंगल या रेक्टेंगल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्क्वायर की, तो अगर हम बीच का बड़ा सा स्क्वायर लेते हैं तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, रो इज इक्वल टू कॉलम है। अब जब रो इज इक्वल टू कॉलम है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स अस 1 प्लस 4 प्लस 9, मतलब कितना हो गया ये 14। अब एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, ये जुड़ के कहीं और स्क्वायर तो नहीं बना रहे, तो बस सिंपली 14 प्लस 3, तो कितना हो गया ये 17। That means option number A is the right answer. Done. तो रो और कॉलम जब बराबर होंगे तो सबका स्क्वायर लेंगे, एड करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। बात समझे? अगला देखो, अगेन हमें क्या काउंट करना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बीच का बड़ा स्क्वायर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो कितना हो गया ये 1 + 4 + 9 + 16 10 14 14 और 16 हो गया कितना 30। अब 30 के बाद देखो 1 2 1 2 तो ये भी फिर क्या हो गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर तो 1 + 4 = 5 तो हम क्या करें 30 + 5 इसके बाद ये 2। अब देखो जब ये जुड़े तो एक स्क्वायर ये बना और जब ये जुड़े तो एक स्क्वायर ये बना तो अब इन सबको ऐड कर दो तो 30 + 5 = 35 36 + 37 = 38 = 39 सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक अगला देखो अब रो और कॉलम बराबर नहीं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते तब पता है ना हम डायगनली चेक करते तब तक जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए मतलब 6 × 3 + 5 × 2 + 4 × 1 6 × 3 = 18 5 × 2 = 10 + 4 = 4 तो कितना हो गया ये 18 + 10 = 28 28 + 4 = 32 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 32। डन अगला देखिए फिर से स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 तब क्या करें 7 4 से 6 3 से 5 2 से और 4 1 से तो 7 × 4 + 6 × 3 + 5 × 2 + 4 × 1 यहाँ लिख देते हैं हम 7 4 = 28 + 6 3 = 18 + 5 2 = 10 + 4 1 = 4 ऐड कर दो इन सब तो कितना हो गया ये 28 ऐसे जोड़ते हैं 8 और 8 = 16 16 + 4 = 20 दो कैरी तो 4 5 6 हाउ मेनी स्क्वायर्स 60। तो अब देखो फिगर जितना बड़ा होता जाएगा आंसर उतना बड़ा होता जाएगा लेकिन कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। अगला देखो अब यहां पे हमें रेक्टेंगल काउंट करना है तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 रो और कॉलम तो हम चेक करेंगे ही करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लेकिन एक बात अच्छी है कि रो कॉलम बराबर ना हो या रो कॉलम बराबर हो दोनों ही केसेस में ट्रिक जो है वो सेम रहेगी। क्या करेंगे इसमें हम वन टू थ्री फोर फाइव 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब क्या हुआ सारे के सारे कॉलम्स का समीशन इनटू सारी की सारी रो का समीशन आंसर आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया 1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 10 + 5 = 15 इनटू 1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 तो 15 6 = 90 ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई तो चाहे रो कॉलम बराबर हो चाहे ना हो करेंगे हम इसी तरीके से। अगला देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5 × 1 + 2 + 3 + 4 तो 1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 15 × 1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 तो 15 × 10 कितना हो गया ये हमारा 150।
वन टू, तो वन टू थ्री, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू, तो वन प्लस टू प्लस थ्री मतलब कितना हो गया सिक्स, सिक्स इंटू थ्री, तो ये हो गया हमारा एटीन। यहाँ देखें तो अगेन वन टू थ्री, तो इसमें भी फिर वही चीज़ करेंगे हम, वन प्लस टू ऊपर करते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू, तो ये भी वही हुआ सिक्स इंटू थ्री एटीन। तो देखो हमें एक मिल गया एटीन, हमें एक मिल गया एटीन, हमें एक मिल गया वन फिफ्टी, वन फिफ्टी प्लस एटीन प्लस एटीन। अच्छा, जब ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बड़े रेक्टेंगल से जुड़ा तो कोई एक्स्ट्रा रेक्टेंगल नहीं बना, क्योंकि ये सेंटर में जुड़ रहा है, मतलब कहीं पे भी जॉइनिंग लाइंस नहीं है। सो दैट मीन्स 150 प्लस 18 प्लस 18, तो 8 और 8 16, एक ऊपर 6 7 8 और 1, सो 186 इज द राइट आंसर। डन, अगला देखो। अब क्या हुआ यहां पे, रेक्टेंगल ही काउंट करना है, ठीक है, वन टू थ्री। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट और वन टू, तो कितना हो गया ये, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस एट थर्टी सिक्स, तो थर्टी सिक्स इंटू थ्री, तो कितना हो गया ये, थ्री सिक्स आ एटीन, वन कैरी, थ्री थ्री ज़ा नाइन, वन ज़ीरो एट। अब इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो एक दो तीन छः दस पंद्रह, तो वन ज़ीरो एट प्लस पंद्रह। अब एक चीज़ हुई इसमें, पूछो क्या, अब इसमें आपने इतना तो कर लिया, ये बड़ा वाला भी तो एक होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स यस, तो प्लस वन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद और कहीं कुछ छूटा क्या, नहीं, सारा का सारा हम काउंट कर ही चुके हैं, तो 108 प्लस 15 प्लस 1, तो काउंटिंग सही करिए हमने, हाँ एक बार फिर से चेक कर लो, 3 3 6 4 10 15 21, 21 और 7 28 36, 1 प्लस 2 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 108 प्लस 15, और ये पूरा का पूरा बड़ा ले लिया तो 1। अब एक बात देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा बड़ा लिया तो 1, ये भी तो एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, यस, तो 1 प्लस 1, तब बताओ कितना हो गया, 8 5 13 14 15, एक ऊपर, तो ये हो गया 2 और ये 125। आई बात समझ, यस। चलो अब ट्राइंगल काउंट करते हैं, ट्राइंगल के लिए 1 2 1 2 1 2, तो ये तो हो गया 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, अब 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ भी ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, करेक्ट, तो कितना हो गया ये देखो, 3 3 6 3 9, कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 18। बात समझ आई,
तो हम इसको रखें यहाँ साइड पे। अब इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सब क्लीन कर दें, क्योंकि अब हमारे 18 ट्राइंगल्स काउंट हो चुके हैं। ये बड़ा ट्राइंगल, फिर ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक। अब इसके बाद एक दो तीन, ये भी तो ट्राइंगल्स हैं, और कुछ बचा क्या? नहीं, बाकी सारा हम काउंट कर चुके हैं ना। हाँ, तो 18 और प्लस 4 हो गया कितना 22, 22 प्लस 3 हो गया कितना 25, सो ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई? अगला देखो, अब यहां देखो 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 2 12, तो 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ और 12 यहाँ, सो दैट मीन्स 12 × 5, 60। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इस शेप का स्टार होता है इस शेप ऑफ स्टार में 5 × 2 होता है, 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल को हम डबल कर देते हैं क्योंकि ये बड़े भी बन रहे होते हैं। तो यहां हमने छोटे वाले तो चलो काउंट कर लिए 5, बड़े वाले तो काउंट नहीं हुए ना, तो बड़े वाले जब काउंट नहीं हुए तो 5 तो बचे हुए, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है कि इस स्टार में 10 ट्राइंगल होंगे, 5 छोटे 5 बड़े। अब 5 छोटे वाले जो हैं वो आपने इन 12 12 में तो काउंट कर लिए, लेकिन 5 बड़े वाले तो काउंट नहीं हुए, सो दैट इज वाई हम यहाँ 60 + 5 करेंगे, सो आंसर विल बी 65। बात समझ आई? सिंपल है। अगला देखो, अब 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये हो गया 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 16, 8 2 16, 16 + 16 + 1 2 3 4, तो 3 4 12। अब बात आती है हिडन ट्राइंगल्स की, एक ये दो तो यहां हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दो इन सबको, तो कितना हुआ 16 16 32 + 12 8 20 + 2 22, तो 32 + 22 54, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखो 1 2 1 2, तो ये हो गया 3 1 2 1 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, एट 2 16, तब कितना हुआ फिर 16 + 6, ये 3 और 3 6 हो गया ना। अब हिडन देखो, 1 2 3 4, तो 16
और 6 22 और 4 26. सो ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया? यस. अगला देखो. अब सिंपल है ये भी, चाहे आप इसको ट्राइंगल के हिसाब से करो चाहे जैसे करो. 1 2 3 4 5 6. या तो एक काम करते हैं, इसको एक ट्राइंगल मान लो, इसको एक ट्राइंगल मान लो. तो 1 2 1 2, ये 3 और ये 3, तो 3 और 3 तो 6 हो गई है. ठीक है, इसके बाद 1 और 2, डन. अब एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, 2 सेम यहां से, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, तब बताओ कितना हो गया. 3 + 3 = 6, 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया. अब इसके बाद ये ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल्स और छूट रहे हैं यहां से, है ना. देखो एक बार अच्छे से देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 1 2 1 2 करके हमने 3 और 3 यहां के ट्राइंगल्स निकाल लिए. ठीक है, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल्स वो निकाल लिए, फिर इसको और जोड़ के 2 ट्राइंगल्स वो निकाल लिए, फिर इसके बाद इसको और जोड़ के 2 ट्राइंगल्स वो निकाल लिए. अब एक ये भी तो ट्राइंगल है और उसी तरीके से एक ये भी ट्राइंगल है, तो 2 और हो गए, तो कितने हो गए, 14 ट्राइंगल्स. कॉन्फिडेंट तो रहना पड़ेगा यार, नहीं तो पता चलेगा आप एक ही ट्राइंगल को 10 बार काउंट कर दोगे, है ना. चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. फिर वही चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 = 16, 1 2, तो ये तो 3 हो गया. सो दैट मीन्स 16 + 3, लेकिन हिडन 1 2, तब कितना हो गया ये, 21. क्लियर. हिडन ट्राइंगल्स हमेशा काउंट होंगे, क्योंकि अगर हिडन ट्राइंगल्स नहीं काउंट होंगे तो आंसर सब गड़बड़ाएगा. अगला, ट्राइंगल एंड स्क्वायर. अब दोनों चीजें करनी है, ट्राइंगल भी और स्क्वायर भी. देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 = 16. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में काउंट करें 1 2, और इस ट्राइंगल में काउंट करें 1 2, तो ये 3 और ये 3. हम अभी ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं, 16 + 3 + 3, फिर 1 और 2, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, फिर एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल. और कहीं कुछ बचा क्या? आई गैस नो. तो अब देखो कितने ट्राइंगल्स हो गए, 16 और 6 22 24 25 26 27 28 29 30. ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल. अब रहे बचे स्क्वायर्स की बात, तो कितने स्क्वायर्स,
दूसरे पेन के कलर से बताते हैं। एक तो ये बड़ा, फिर दो, तीन, चार, पांच, छह। सो दैट मीन्स सिक्स। सो ऑप्शन नंबर सी, 30 ट्राइंगल्स एंड 6 स्क्वायर्स। ठीक है, कहीं भी कोई भी काउंटिंग रह जाए तो इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगला देखो, अब सर्कल काउंट करना है। तो सर्कल काउंट करना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा वाला, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो ऑप्शन नंबर बी डन। यस, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस फिगर काउंटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द काउंटिंग, द मेथड्स, द ट्रिक्स, एवरीथिंग। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने ही है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस दिवाली को सेफली अपने घर पे रह के ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई करते करते, घर वालों की मदद करते करते सेलिब्रेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।